दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपकी इंग्लिश वीक है और चाहते हैं उसको सुधार करना तो आपको करना क्या होगा, आपको यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करना होगा। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे डाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यू डिक्शनरी ऐप का ऑप्शन आ गया। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आके ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको ओपन करते हैं। अगर आप कोई पढ़ाई करते समय आपको कोई सेंटेंस नहीं आ रहा या कोई पैराग्राफ की हिंदी समझ नहीं आ रही तो आपको करना क्या होगा, इसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा। जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल दिखा रहा हूँ उस इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में करके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ी हुई है, ये देखिए मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन देखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इसका आ गया है, जो मेरा पैराग्राफ था उसकी हिंदी आ चुकी है। ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। आपको करना क्या होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के पहले कमेंट में आपको इसकी लिंक देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ गई, आपके 49568 पदों का जो रिजल्ट आना था उसकी ऑफिशियल क्या कहते हैं आंसर की आ चुकी है, अब कुछ समय पहले भी जारी हो चुकी है। तो आपको बता दें जो आपका रिजल्ट है वो 10 से 15 दिनों के अंदर आ जाएगा। तो आप लोग कह रहे होंगे इसमें आपने बताया कि कुछ समय बाद आ जाएगा, दोस्तों आपको बता दें जो ये रिजल्ट है उसमें इतने एहतियात बरते जा रहे हैं। जैसी गलतियाँ 41520 पदों के रिजल्ट में हुई थी वैसी गलतियाँ उन्होंने, जैसे कि जनरल वालों में ओवर एज वालों को भी नौकरी मिल गई थी, उनका फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका था, ठीक है। और क्या कहते हैं जो आपका ये क्या कहते हैं होमगार्ड कोटा होता है, इसका गलत प्रयोग हुआ था। 18 साल वाले अभ्यर्थियों ने भी इसको होमगार्ड कोटा यूज़ करके उन्होंने अपना फाइनल लिस्ट में नाम देख लिया, उनका आ गया था फाइनल लिस्ट में, उनका भी नाम आ गया था। तो दोस्तों ऐसी गलतियाँ ना हो तो भर्ती बोर्ड सारी एहतियात बरत रहा है, रिजल्ट को दोबारा चेक हो रहा है कि कोई ऐसी गलती तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, कोई अभ्यर्थी ओवर एज वाला तो नहीं जिसका नाम रिजल्ट में ना आ जाए जो रिजल्ट पास कर चुका है। ऐसी सारी तमाम गलतियाँ हैं ताकि उसके चक्कर में आपका जो रिजल्ट है वो इसीलिए लेट हो रहा, ताकि जो भी एहतियात बरतनी है भर्ती बोर्ड उसको बरत रहा है, और रिजल्ट आपका जैसे ही लागू होगा या मतलब जैसे ही आएगा उसमें कोई भी गड़बड़ी होने की चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, 99% कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से आदेश मिलेंगे कि कोई भी अब की बार गलती ना हो, क्योंकि भर्ती वो काफ़ी लेट होती जा रही है 41520 पदों की, लगभग उसको एक डेढ़ साल होने जा रहा है, क्योंकि जनवरी में उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका था, ठीक है। एक साल लगभग हो चुका है लेकिन उस भर्ती का अभी ट्रेनिंग पे भी नहीं गया और ट्रेनिंग के लिए बुलाया भी नहीं गया है। तो दोस्तों ऐसे ही एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि मानना है कि 49568 पदों की जो भर्ती है उसका जो भी पूरी फाइनल अक्टूबर तक हो जाएगी, अक्टूबर 2019 तक फाइनल हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि आपकी जो भर्ती 41520 पदों से पहले हो सकती है। तो आपको बता दें कि जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा तो आप तक हम वीडियो लेके आएंगे। आपको करना क्या होगा, नीचे वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा जिस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो उस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो उसके बाद घंटी बन के आ रही है उसको दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।